गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बैक अगेन। सो आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, माय नेम इज मोना कराना और आप देख रहे हैं मेरे ट्रैवल व्लॉग्स। तो आज का पूरा व्लॉग होने वाला है, आपको थंबनेल से देख के पता चल ही गया होगा कि आज विंटेज कार का कलेक्शन है लक्ष्मी विलास पैलेस में। वहाँ पे हम विंटेज कार्स देखने जाएंगे, जो भी पुरानी कार्स है 1819 की, जो भी कार्स है लंदन, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, ऑल ओवर वर्ल्ड से सभी लोग जूझ के पास पहले की कार्स पड़ी हुई है, विंटेज कार्स मीन्स, वो सभी कार लेके आज वो लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा में जो होने वाला है आज, वो पूरे का पूरा यू नो गाइस वहां पे 200+ कार्स वहां पे रखी जाएगी देखने के लिए और उसको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो जितना भी कुछ मैं आपको दिखा सकूंगा उतना सब कुछ मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा जाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस हम अंदर तीन लोग आए, आयान, जयराम, हम तीन लोग अंदर आए हैं। ये लक्ष्मी विलास पैलेस का एंट्रेंस गेट है। तो गाइस वहाँ से टिकट लेके इधर से एंट्री है, यहाँ से अंदर जाना है। हमारी गाड़ी यहाँ कहीं भी होगी, आगे रखी है हमने, जावा हमारी दिख नहीं रही, बाद में दिखाऊंगा। कोई लेके चला गया क्या लेके गया। तो गाइस जो आप सामने देख रहे हैं ये सभी गाड़ियाँ MG वालों की है। और मैं समझ रहा था कि MG अभी अभी आई है, पर MG बहुत पहले की कार है, देख के तो लगता है MG बहुत पुरानी कंपनी है। तो गाइस जो आप सामने देख रहे हैं वो लक्ष्मी विलास पैलेस है, बहुत ही बड़ा पैलेस है गाइस। अभी आगे से मैं दिखाऊंगा, ये साइड का फेस है, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये लक्ष्मी विलास पैलेस। ये कार्स के बीच में बूल किसने रखा भाई, ये भी विंटेज है क्या? बाय द वे यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, ढंग से एक फोटो भी नहीं खिंचा सकते। लुक लुक गाइस हु इज हियर, रेंज रोवर देख के कैसा लगता है गाइस। लुक तो गाइस हम इधर की गाइडलाइन का थोड़ा पालन करेंगे, कोई भी गाड़ी को टच बिल्कुल नहीं करेंगे और टच किए बिना सभी गाड़ी देखेंगे, अंदर से बाहर से सभी गाड़ी, अंदर से बाहर से सभी जगह से देखेंगे और उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी टूट सकता है, कुछ भी हमारे नाम पर यहाँ रिस्पेक्ट करना पड़ता है उसके लिए, तो उसे कोई भी गाड़ी को टच नहीं करेगा। मैं सो गाइस सामने से पहले से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से तो नहीं अच्छा आएगा बट थोड़ा पीछे जाके मैं दिखाऊंगा आपको। और गाइस सामने देखो कार्स के साथ साथ आगे इंडियन कल्चर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, पीछे से कार्स आ रही है और आगे इंडियन कल्चर को कैसे दिखाया गया है और धार्मिक रूप से उसे कैसे दिखाया गया है। जो भी इंडियंस कार्स को अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करी गई है उसी कार्स के आगे अगर साउथ की है तो साउथ का आगे कल्चर दिखाया गया है, गुजरात की है गुजरात का कल्चर दिखाया गया है। थोड़ी दूर आके लुक ऐसा दिखता है पैलेस। ओवरऑल आप लोग जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे सभी जगह पे कार्स रखी गई हुई है। मोस्ट ऑफ बॉयज नो अबाउट दिस कार, 1994 जॉन विक वाली कार है, बहुत सेक्सी कार है। भाई ने आज से पिया है, रॉयल स्टेक पिया है ना, रॉयल स्टेक आज बाप की गांड खा रहे हैं। रॉयल स्टैग पी के सू सर्व कर हमने, सब गाड़ी मेरी है, रॉयल स्टैग से खाली सू सर्व कर हमने, सब गाड़ी मेरी है, सब गाड़ी मेरी है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हेलो एम्बेसडर, दिस माय कार This is my car. Royal Stag जोड़े।
पीने के बाद ऐसा बोल रहे हो मेरी कार है, पीने के बाद भी ऐसा बोल रहे बाबा दवाई है क्या? हाँ हाँ, मैं राजा का लड़का था तो इधर ना आ रहा था ज्योति में घुमा करता था स्टैचू भी उधर है। नंगा 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 स्टैचू बनाया इन लोगों ने। मेरे पापा बाजू में बैठते थे और मैं चला रहा था ऐसा, मैं पीछे चला रहा था। एक मिनट ब्लॉग बंद कर, कौन आ कर दे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मुझे जब तक पता चला है इस पैलेस में कितने लोग रहते हैं, चार लोग इस पैलेस में, सोच लो। रॉयल फैमिली चार लोग, और काम करने वाले कितने? 20 प्लस। भाई इन लोगों को तो मजा ही आ जाता है। क्या 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 वो तो मजा आती होगी, गर्लफ्रेंड नहीं थे एम्प्लॉयज के साथ चालू। मैंने सुना था शायद जी का क्या नाम है उसका, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैंने सुना शायद जी गायकवाड़ तेरे दादा है। पानी की बॉटल फ्री, जयगोर के साथ पानी की बॉटल फ्री। अब छोकरा मारे अब छोकर हो जाएगा ना તારી ગાડીમાં અવોર્ડ મળ્યું તારે જવાની, તો જવાનો અવોર્ડ મળ્યું? હા અવોર્ડ મળ્યું ને, જોઈ લે ભાઈ અવોર્ડ મળ્યું, એમજી નું પણ અવોર્ડ મળશે, પણ અમે એમજી લાયા નથી, એવું તે જોઈએ ને એમજી લાઈન મૂકવી પડે ના મળે એમજી નીકળ નથી દેરામ ભાઈ, પણ અમારું બાપ આપે છે દર્દ ને પીડા નહીં હાલતા અલ્ટો હાલે છે હે દેરામ, આપણા બે હાથું ગાડી બની થઈ યાર, તું સાથે હે તો કમી ક્યાં પૂરા કા પૂરા ગોપ કરે યહાં સે ઉધર બહુત બડા લંબા લંબા ક્યા લંબા ક્યા લંબા આપસે તો લંબા કે લિયે બનાયા ગયા હૈ યે ગોપ કરતે હૈ તો યે ગાડી રખી હૈ 200 સે ઉપર યહાં પે ગાડી રખી હૈ 200 સે 300 સે ઉપર યહાં પે ગાડિયા રખી હુઈ હૈ હા ઇન લોગો ને બરાબર કનેક્શન પહેલે કી જો ગાડિયા થી હુઈ સબ ગાડિયા લાકે ઇધર સે ઇન્ડિયા સે યુએસ સે યુકે સે સભી રાજકોટ સે કલેક્ટ કિયે રાજકોટ ભાવનગર સે સભી જગહ સે કલેક્ટ કરકે ઇધર રખી ગઈ આરજી જયરામ નીચે મે જયરામ ભાઈ ની ઘર ની પણ ગાડિયો છે કઈ છે આગળ આગળ स्पेसशिप कार, इसमें इसमें बैठ के स्पेस में जा सकते हैं अयन, इसमें बैठ के स्पेस में जा सकते हैं, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह में जाके क्या करेंगे, अपने को कोई बौड़ा नहीं ले जा सकता, मंगल ग्रह पे कौन ले जाएगा वो मैं सोच रहा हूँ। महल के बिल्कुल सामने यहाँ ऐसे स्टॉल बनाए हुए फूड एंड और सब कुछ चीज़ों के लिए, फूड के लिए विंटेज पेंट के लिए सब कुछ है, सब बेचने के लिए ले जा करें ना भाई, जूलरीज भी लगी हुई है।
I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right and bitch, it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never for it, then I watch it get bigger than expected, no second guess it, I let it set it. It's God's plan, we out here only accepting blessings. I'm stuck with it, this mindset is terminal. In and out different terminals, leveling up is personal. Now I already made it, y'all can miss me. I smack my girl's ass, tell her pinch me. It's hard to believe I made something from nothing. No hindsight discussion. तो गाइस इस व्लॉग को हम इधर ही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जितने भी हमने कार सिखाई, जितने भी हमने ये महल दिखाया, जितने भी बकचोदी किए, जितने भी मस्ती किए, आई थिंक आपको पसंद आया होगा हमारा व्लॉग। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके पति के खा रही है। ओके बाय।